Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हाज़रीन, आज इस ख़ास पर्सनैलिटी के बारे में बात हम करने लगे हैं। वो एक डिक्टेटर भी थे, अंग्रेज़ी भी अच्छी बोलते थे। तो यूजली जो बंदा हमारी मुल्क में अंग्रेज़ी अच्छी बोलता है, सूट शूट पहनता है, वो कौम को बेवकूफ़ जल्दी और आसानी से बना लेता है। इसी तरह इन साहब ने भी कौम को बड़े प्यार से बेवकूफ़ बनाया। और बड़ा इनका क्यूरियस केस है कि ना, हाईली कंजर्वेटिव से लेके मोस्ट प्रोग्रेसिव बंदे को भी मिला ना, आइदर वो दोनों उस बंदे को हेट करती हैं या दोनों पसंद करती हैं फॉर देयर वेरी डिफरेंट रीजंस। जी, आज हम बात करने लगे हैं जनरल परवेज मुशर्रफ की। मुशर्रफ भाई, जैसे ही पावर में आए, वो तो आपको नवाज़ का ब्लंडर पिछले पार्ट में बता चुका हूँ क्या किया, जब वो प्लेन के अंदर जा रहे थे उन्होंने हाईजैक कर लिया, बिग ब्लंडर और नवाज़। बट एनी वेज, मुशर्रफ कम्स थ्रू। मुशर्रफ ने शुरू में यही किया जो हर डिक्टेटर करता है, डिक्टेटरशिप 101। उन्होंने कहा, मेरे अजीज़ हमवतनों, आपकी सारी राइट खत्म किए जा रही हैं, एमरजेंसी लग रही है। दैट बीइंग सेड, अगली चीज़ पर मुशर्रफ ने किया, कुछ महीनों बाद आ गया नवाज़ों का ट्रायल। नवाज़ों की ट्रायल की जब बारी आई तो नवाज़ों बाय द वे अडियाला जेल में चले जा चुका था, जहाँ भुट्टो भी हिस्टोरिकली अडियाला जेल के अंदर ही था। और बाद में आपको पता है भुट्टो के साथ क्या हुआ। वो था बेसिकली शॉर्ट ट्रायल, बट नवाज़ों के बहुत फॉल्ट थी। एक पब्लिक ओपिनियन भी उस वक्त नवाज़ों के खिलाफ था। एक ब्लंडर होने वाला था जो रुक गया। सोर्सेज क्लेम, मैं नहीं कहता, लेकिन भाई लोग कहते हैं कि मुशर्रफ साहब को कहा गया, जी आप भी नवाज़ों के साथ वही करें जो ज़ियाउल हक ने भुट्टो के साथ किया, मतलब फांसी दे दें। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती। थैंक गॉड मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को फांसी नहीं दी। उसके बाद बहुत प्रेशर आया सऊदी अरेबिया और यूएसए की तरफ से, फिर जी नवाज़ों को भेज दिया सऊदी अरेबिया। अब आता है मुशर्रफ का पहला इंटरनेशनल क्राइसिस जो मुशर्रफ को सॉल्व करना था 2000s में। वो क्या था? इंडियन एयरलाइन हो गई हाईजैक। पता चला जिसने हाईजैक किए हैं वो हैं पाकिस्तानी मिलिटेंट्स, हरकते मुजाहिदीन। सो दे वर ऑपरेटिंग फ्रॉम इनसाइड पाकिस्तान, नॉट नेसेसरली सपोर्टेड बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट, दे वर मिलिटेंट्स। मुशर्रफ जी, अब प्रेशर आया, बिल क्लिंटन भाई ने कहा, कॉल की मुशर्रफ साहब को, ने कहा सर आप ये हरकतुल मुजाहिदीन को बैन करें। नाउ नोइंग मुशर्रफ और मुशर्रफ की जो उस वक्त स्टेटस हो गया था, मुशर्रफ सीम लाइक अ वेरी प्रोग्रेसिव डिक्टेटर, विच इज आइरोनिक। इट वुड हैव मेड सेंस फॉर अ पर्सन लाइक मुशर्रफ टू बैन इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ही इज ऑल्सो अ डिक्टेटर, सो ही हैज ऑल द पावर। But what did Musharraf do? पहला ब्लंडर, मुशर्रफ डिड नॉट डू एनीथिंग। मुशर्रफ सेड, में और आपके कंजर्वेटिव बड़े पावरफुल हैं, मुझे एक बैकलैश ना आ जाए क्योंकि मुझे इनकी भी सपोर्ट चाहिए होगी। और मुशर्रफ ने वही गलती की जो हमारे पुराने लीडरान ने पहले भी की, ही इज कम डाउन टू द मौलवीज एंड ही इज लाइक सॉरी ब्रो, आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग। आई थिंक इज द ओनली डिक्टेटर जिसने सुप्रीम कोर्ट की एक्चुअली सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी इलेक्शन कराएं, मुशर्रफ ने कहा हाँ श्योर लेट्स डू इट। और बट ऑब्वियसली वो इलेक्शन शैम थे, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पार्टी नहीं लिया था उसमें, और चौधरी बरादरान भाईजान पहली दफा जिंदगी में जीत गए इलेक्शन। सब पहला मसला सबसे बड़ा कि आपने चौधरी बरादरान को जितवा दिया। मतलब अगर पाकिस्तान में कभी तारीख में आया अगर ना जो पाकिस्तान की सबसे थकी तरीन पार्टियों में कौन है, तो नंबर वन पे होंगे आपकी चौधरीज। ये तो एक ब्लंडर हो गया। जमाली इटसेल्फ वाज अ ब्लंडर। जमाली वाज अ वेरी इनफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर, दैट्स व्हाई आफ्टर अ फ्यू इयर्स जमाली साहब को भी बड़े प्यार से कहा, जमाली साहब चलें बैठ जाएं, अपनी रेजिग्नेशन दे दें। यहां ब्लंडर खत्म नहीं होते, अभी तो पार्टी शुरू ही है। व्हाइल मुशर्रफ वाज इन पावर, ही डिड इंट्रोड्यूस वाइल्डली इंटरेस्टिंग थिंग्स लाइक लिबरल प्रोग्रेसिव वैल्यूज, फ्रीड द मीडिया, यू नो, कॉन्सर्ट्स, आर्ट्स वगैरह को पर्सनली मुशर्रफ यूज्ड टू लाइक इट अ लॉट, एंड उसको उसने बहुत फ्रीडम दिया। यू ऑल्सो सॉ अ राइज इन लॉट ऑफ न्यूज चैनल्स, विच इफ यू नाउ कम टू थिंक अबाउट इट वॉजंट द स्मार्टेस्ट ऑफ मूव, बिकॉज अनचेक बहुत सारे चैनल्स को लाइसेंसेज मिल गए। चैनल्स पाकिस्तान में आर ऑल्सो यूज एज अ पोलिटिकल टूल एज वेल। मुझे आज तक याद है कि मुशर्रफ एक जगह बोलने आया था पार्लियामेंट के अंदर, तो एक बंदे ने फुल ऑन क्रिटिसाइज किया था मुशर्रफ को सबके सामने। एंड मुशर्रफ वाज लाइक, यू नो व्हाट, इसी मुल्क के अंदर आप ये क्रिटिसाइज एक डिक्टेटर या मुझे आप प्रेसिडेंट को कर भी सकते हो और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। बट ही इज़ द प्रॉब्लम, व्हेन शिट हिट द फैन दो, जब लॉयर्स मूवमेंट वगैरह हुई तो मुशर्रफ ने जब एमरजेंसी लगाई उसने सारी राइट्स दोबारा वापस ले लिए। बिकॉज थिंक अबाउट फ्रीडम इन अ डिक्टेटोरियल एरा इज, there's always conditional.
The moment Musharraf came in, everyone was supporting Musharraf. Musharraf was a very popular leader initially. But everyone started being more critical, uske galat decisions samne aana shuru ho gaye aur logon ne kaha nahi yaar ye to itna acha aadmi nahi, uske bahut sare masle hain. Maine kaha band karo sab kuch, why should I listen to these ordinary folks? But anyways, clearly he had to ultimately. Ab is total scenario ke andar ek bahut aur important cheez hui, bhala kya? Musharraf sahab ne pass karwaya 17th amendment. Because obviously, Chaudhary boys, kaun sa moral dilemma kya? Unne kaha ji sir. Which well, later on, seriously came to haunt Musharraf and this country. So 17 amendment zaruri isliye thi Musharraf ne constitution ke aapke andar karwai taaki wo chief of army staff aur president ek time pe ban sake. Ye law hai ki aap ye nahi kar sakte. That's not democratic. But Musharraf like, well, we are living in a dictatorship and I wanna be both. Now what it did was कि एक तो जब later दोबारा मुशर्रफ दोबारा आए तो उस पर इसी बात की वजह से treason का भी case हो गया, जो बहुत बड़ा treason, जो main एक factor is the 17th amendment जो उसने introduce कराई थी. पर दूसरी चीज़ से क्या हुआ कि 2010 में आपके ज़्यादातर laws वापस हो गए, most problematic clauses को ख़त्म वगैरह कर दिया गया. बट द प्रॉब्लम वॉज फिर भी कुछ चीज़ें रहीं इस अमेंडमेंट की वजह से. आगे जाके मसला हुआ कि PMLN शहबाज शरीफ ने बहुत सारी कैबिनेट एज चीफ मिनिस्टर पंजाब संभाली, जो नहीं होना चाहिए था. दैट इज़ टू मच पावर. दिस इज रीज़न वाई बाकी मुल्कों में आप मोर देन वन कैबिनेट नहीं चेयर कर सकते हैं, क्योंकि दैट डज नॉट मेक सेंस. बट आपकी सारी गवर्नमेंट ने ये लूप होल देखा, उन्होंने कहा हाँ ठीक है तब हमारे डिक्टेटर खिलाफ था लेकिन चीज़ हमारे फायदे में भी हो सकती है. तो या प्रेजिडेंट लेवल पर तो खत्म कर दो, लेकिन आपकी प्रोविंशियल लेवल पर अभी भी चल रही है. एंड That is a big blunder. Now moving on, nuclear scandal. So अब जो ये nuclear scandal वाले blunder थे, ये दो parts के अंदर थे. पहला blunder था जी, ये दो scientists थे वो अफगानिस्तान गए, वो अफगानिस्तान में जी report आई जी मुशर्रफ ने उन्हें arrest करवा दिया कि जी ये nuclear proliferation कर रहे थे to तालिबान. पता चला जी उनके पास scale ही नहीं थी, false information. Second part is the more important part that you should be interested in. It's about अब्दुल कदीर खान. जरा अब ये याद रखिए, 2001 में willingly मुशर्रफ लगाते हैं अब्दुल कदीर खान को साइंस एडवाइजर टू द गवर्नमेंट. 2004 में मुशर्रफ कहते हैं भाई जान इनको निकाल दें क्योंकि इन्होंने तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की है टू नॉर्थ कोरिया. अब वजह क्या थी निकालने की? वेल सिंपली क्योंकि वेस्ट के पास एविडेंस आ गई थी, यूनाइटेड स्टेट्स इन पर्टिकुलर, कि जी पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को टेक्नोलॉजी दी है न्यूक्लियर. तो उन्होंने कहा आप कैसे कर सकते हैं, मतलब नॉर्थ कोरिया इज अ रोग स्टेट, यू कैन नॉट गिव इट. मुशर्रफ ऑब्वियसली मुशर्रफ अंडर प्रेशर, मुशर्रफ ने कहा वी विल टेक एक्शन. मुशर्रफ ने निकाल दिया अब्दुल कदीर खान को, किस समय खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ. जब और इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला जी मुशर्रफ भी इन्वॉल्व था अंदर और मुशर्रफ के ऑर्डर थे, और अब्दुल कदीर खान भी इस बात पे चुप नहीं थे. अब्दुल कदीर खान ने बड़ा ओपनली कह दिया कि जी मुझे तो मुशर्रफ साहब ने ही कहा था कि आप सारा कुछ करो. फिर ISI की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ गई जो उन्होंने कहा जी अब्दुल कदीर खान ने एक्सेप्ट किया है कि 2000 सेंट्रीफ्यूज गए थे जो आपकी आर्म्ड फोर्सेज ने उसको मॉनिटर किया था और मुशर्रफ के डायरेक्ट ऑर्डर्स पे वो गए थे. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स केप्ट हैपनिंग एंड नन ऑफ दीज डिटेल्स दैट वर कमिंग आउट वर हेल्पिंग मुशर्रफ केस. अब अगला मसला था कि पाकिस्तान में तो अब्दुल कदीर खान पे बेशक ब्लेम भी लगा दे, बट इंटरनेट तो नहीं आप रोक सकते ना, आप इन्फॉर्मेशन का फ्लो तो रोक नहीं सकते. अब लोगों को थोड़ा बहुत मुशर्रफ पे भी तब चढ़ना शुरू हो रही थी कि अरे क्यों किया. जो आपका अगला प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज साहब ने भी ये कह दिया कि जी अब्दुल कदीर खान तो हमारे हीरो हैं, उनको तो हम भूल ही नहीं सकते. मतलब सोचो एक डिक्टेटर के टाइम पे उसका ही प्राइम मिनिस्टर आके कह दे कि यार नहीं ये तो बड़े कमाल आदमी है, तो हमारे हीरो हैं. फिर करते ना करते चार्जेस ड्रॉप किए, एग्री हुआ जी अब्दुल कदीर खान हाउस अरेस्ट में होंगे. बट ये एक ब्लंडर था, राइट? आपने क्यों नॉर्थ कोरिया को देने की जरूरत थी? नॉर्थ कोरिया ने आपको क्या हेल्प किया? ये आपने एक अगेन डिप्लोमेटिक कैटास्ट्रोफी थी विच वॉज नॉट नीडेड. एंड यू नोटिस एज यू गेट क्लोजर टू द टाइम वेयर ही इज अल्टीमेटली टोल्ड टू गो, खत्म होता जा रहा है वो जो हम एक आर्टिफिशियल बबल में रह रहे थे ना, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, पॉलिटिकल प्रोग्रेस एंड जनरल प्रोग्रेसिव वैल्यूज बीइंग ओवरफ्लोन एवरीवेयर, दैट स्टार्टेड ब्रेकिंग.